हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये स्ट्रैटेजी 2-3 दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। और ये मैं यूजली ऐसे नहीं कहता हूँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। और ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा, जब कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी जीरो लॉस स्ट्रैटेजी कैसे है। देखिए, ये स्ट्रैटेजी हमेशा आप नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कोई इवेंट है तो उस इवेंट को कंसीडर करके आप इस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ा इवेंट है तो आप उस इवेंट को यूज करके इस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई इवेंट हो तब ये स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं जून में, तो जून मंथ की स्ट्रैटेजी ये, और मैं उसकी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये स्ट्रैटेजी हमने अपने मेंटरशिप के लाइव बैच में शेयर किया हुआ था, और ये सेम ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। उसके बाद 2-3 यूट्यूब चैनल्स ने सेम स्ट्रैटेजी पे उसी दिन वीडियो बना दिया था। तो अगर आपने ये वीडियो ऑलरेडी किसी और यूट्यूब चैनल पे देख लिया है, तो उन्होंने हमारी स्ट्रैटेजी कॉपी करके यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर इस ट्रेड को आपको फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे आपको इस स्ट्रैटेजी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कब एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है। और सेकंड, मैं एक इलेक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी का एक लाइव सेशन करूँगा, उस लाइव सेशन का लिंक मतलब वेबिनार करूँगा, उस लाइव सेशन का लिंक आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो अगर वो कम्प्लीटली फ्री है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और जब भी कोई भी डिटेल होगी तो मैं आपको वो डिटेल शेयर कर दूंगा एप्लीकेशन में, तो आप लोग को सारी डिटेल्स एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी, सिर्फ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, राइट। चलिए, तो आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं सारी चीज़ें शुरू से। चलिए, तो हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको ट्रेड दिख रहा है, मैं इसी ट्रेड की बात कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, ये ट्रेड ऑलमोस्ट जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। अब इसको कैसे जीरो लॉस स्ट्रैटेजी मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप समझिएगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो आपका जो करेंट ट्रेड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे देखिए, आपने क्या किया हुआ है, 53,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, 43,000 का एक पुट ऑप्शन सेल किया है। कौन सी एक्सपायरी में, यहाँ पे जून एक्सपायरी है। तो मैंने जून एक्सपायरी में भी कितने दिन है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम बचा है। तो जून एक्सपायरी में मैंने क्या किया हुआ है, 53,000 का और 43,000 का ट्रेड शेयर किया हुआ है, ठीक है। आपको एक बार मैं टेलीग्राम दिखा दूं, यहाँ पे देखिए, 15 मई को मैंने ये ट्रेड शेयर किया हुआ, आज 15 मई को अराउंड 3 o'clock पे मैंने ये ट्रेड शेयर किया हुआ था। ऑलमोस्ट जीरो लॉस लॉसलेस स्ट्रैटेजी मैंने लिखा हुआ है इसमें, देखिए ये है। और अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो ये मैंने स्क्रीनशॉट, पता नहीं मुझे अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ दिख रहा है कि नहीं आपको, लेकिन ये ट्रेड मैंने आपको शेयर किया हुआ था, ठीक है। अगर आपको ये ट्रेड फॉलो करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं, राइट, इवन लॉसलेस स्ट्रैटेजी। अब आपको मैं ट्रेड का डिटेल समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका मार्केट अभी कितने पे चल रहा है, मार्केट आपका अभी चल रहा है 48,000 पे। तो 48,000 से 53,000 कितना दूर है, 48,100 है। तो 48,000 से 53,000 कितना दूर है, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट। और 43,000 से 48,000 कितना दूर है, ये भी ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट है। तो आपके पास हायर साइड में 5,000 की रेंज है और लोअर साइड में 5,000 की रेंज है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अब आप जरा सोचिए, क्या आपको लगता है कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी एक महीने में, अगर मैं वन डे का भी चार्ट लगा दूं, तो एक महीने में 48,000 या 53,000 टच करेगा? नहीं ना, टच नहीं करेगा, मतलब चांसेस बहुत हाई है कि टच नहीं करेगा। तो मतलब ये जो बीच में आपको प्रीमियम मिला है, ये पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। अभी देखिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलरेडी 1300 का प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन मुझे पता है कि वीडियो जब आप देखेंगे तो हो सकता है उस समय आपको ये प्रीमियम ना मिले। तो मैं आपके लिए सेपरेट ट्रेड बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना नया ट्रेड बना सकते हैं। ये ट्रेड उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ऑलरेडी टेलीग्राम पे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए मैं नया ट्रेड इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दूंगी, देखिए टेलीग्राम पे ये वाला ट्रेड भी हमने शेयर किया हुआ था, अभी ऑलरेडी ये ट्रेड प्रॉफिट में भी आ चुका है, 1500-1600 रुपीज प्रॉफिट में भी आ चुका है। तो इस ट्रेड की भी डिटेल आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगी, तो अगर आपको मेरे ट्रेड्स फॉलो करने हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आपको लगता है, देखिए ये वन डे का कैंडल है, आपको लगता है कि 48,000 मार्केट 43,000 मार्केट टच करेगा, लास्ट मार्केट 43,000 27 अक्टूबर को था, राइट, 43,000 पे 27 अक्टूबर के आसपास था आपका मार्केट, 26 अक्टूबर के आसपास आपका 47, उसके बाद से मार्केट कभी इतना नीचे आया ही नहीं। और 53,000 तो मार्केट ने ऑल
टाइम हाई है, मतलब उतना ऊपर कभी गया ही नहीं। मार्केट का ऑल टाइम हाई जो है 49,800 या 900 है, राइट। तो पहली बात तो आपके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद एक बहुत बड़ा मार्केट मूव ले सकता है आइदर साइड में, या तो ऊपर या नीचे। तो हम उसके लिए क्या करें और इस स्ट्रैटेजी को हम लोग लॉसलेस कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। आप एक कैलकुलेशन समझिएगा, उस कैलकुलेशन से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपने टोटल प्रीमियम कितना रिसीव किया है, 215 and 227, ठीक है। टोटल आपने यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें, मैं रफली कर लेता हूँ कि 400 पॉइंट का आपने यहाँ पर प्रीमियम कैप्चर किया हुआ है। मैं जो टारगेट करता हूँ, मैं टारगेट करता हूँ 5% का रिटर्न, कि मेरा अगर मंथ में 5% का रिटर्न बन गया तो मेरे लिए वो एक अच्छा ट्रेड है। तो इस ट्रेड में भी मैं मंथली, मतलब पूरे मंथ में 5% का ही रिटर्न टारगेट कर रहा हूँ। तो 5% कितना होगा, ये देखिए यहाँ पे जो ट्रेड है, यहाँ पे आपको 68,000 दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसके हेजेस बाय कर लेंगे तो ये ट्रेड आपका 50,000 में बन जाएगा। तो 50,000 का 5% कितना होता है, 2500 रुपीस। तो मुझे 2500 रुपीस ही सिर्फ कैप्चर करने हैं। अब 2500 रुपीस कैप्चर करने के लिए मुझे कितने पॉइंट कैप्चर करने होंगे, इसको अगर 15 से डिवाइड कर दूं मैं तो मुझे 166, इसको राउंड फिगर में 170 कर लेते हैं। तो मुझे 170 पॉइंट चाहिए सिर्फ अपना 5% का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मुझे यहां से मैंने 200 पॉइंट का पॉइंट इधर मिला है, 200 पॉइंट इधर मिला है, जिसमें से मुझे सिर्फ 170 पॉइंट कैप्चर करना है, तो 400 पॉइंट अगर मुझे ये कॉल और पुट ऑप्शन सेल करके 400 पॉइंट मिले हुए हैं, इसमें से 400 पॉइंट में से अगर मैं 230 पॉइंट्स अगर हेज में निकाल दूं तो बाकी कितना बचा, या 200 ही कर लेता हूं, मैं 50-50% कर लेता हूं कि 200 पॉइंट मैं हेज में निकाल देता हूं तो बाकी का मुझे 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो जो 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा और बाकी का 200 पॉइंट जो मैं हेज में निकालूंगा वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं आपको सिखाता हूं। और यही यहां पे स्ट्रैटेजी के ट्रिक है जिससे आप इस स्ट्रैटेजी को लॉसलेस बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास कितने वीक्स बचे हुए हैं एक्सपायरी को, क्योंकि ये 26 जून की एक्सपायरी है। देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि ये स्ट्रैटेजी, मुझे पता है यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई भी शेयर नहीं करेगा। आज जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपको कभी भी कोई भी नहीं शेयर करने वाला, और ये स्ट्रैटेजी को आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं जब भी कोई बड़ा इवेंट है आपके सामने। आपके सामने यहाँ पे 26 जून की एक्सपायरी है, कितने वीक्स हो गए, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 29th मई का 5 वीक और 22nd मई का 6 वीक, टोटल 6 वीक्स है ना। अब 6 वीक को और आपने टोटल हेज के लिए कितने पॉइंट निकाले हैं, 200 पॉइंट, तो 200 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आया, अरे सॉरी, 200 को 6 अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 33 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम। तो मैं मतलब हर हफ्ते 30 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम अपने हेजेस में अगर लगा दूं तो ये ट्रेड जो है मेरा कंप्लीटली लॉसलेस बन जाएगा। अब वो कैसे करना है, देखिए यहां पे मैंने वैसे तो ऑलरेडी ये ट्रेड का सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपको फिर से दिखाऊं तो मेरे सेल ले कौन से हैं, 53,000, इधर सेल ले कौन सा है पुट साइड में, 53,000। तो अगर मैं इसे 200 पॉइंट या 300 पॉइंट या 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट अंदर वीकली का बाय करूंगा तो आपको पता है कितने का बाय होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी का है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाय होगा मेरा लगभग 10 से 15 पॉइंट के बीच में। आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए जब मैंने 15 तारीख को ट्रेड बनाया था तब ये ट्रेड 51,000, मतलब अपने सेल लेग से भी 2000 पॉइंट अंदर की तरफ। आप यहाँ पे ये पे ऑफ ग्राफ मत देखिएगा, क्योंकि पे ऑफ ग्राफ में ये नहीं दिखाता है कि एक्सपायरी वाले दिन क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ये यहाँ पे ये 15th ऑफ मई को जब मैं ये कर रहा हूँ तो 22nd ऑफ मई का पे ऑफ ग्राफ दिखा रहा है, लेकिन आपकी एक्सपायरी, ये ट्रेड आपका क्लोज होगा 26 को। तो इस पे ऑफ ग्राफ को मत देखिए, पे ऑफ ग्राफ आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने सिर्फ 5.6 का प्रीमियम पे किया हुआ है, जो कि अभी 2.8 का चल रहा है, मतलब मैंने इससे ज्यादा ही पे किया है, और इधर भी मैंने 11.9 का पे किया हुआ है जो कि अभी 3.55 का चल रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये ट्रेड इस वीक का तो हो गया, अब नेक्स्ट वीक क्या करना है, नेक्स्ट वीक का भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वीक भी मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन खोलता हूँ, 9th मई को जाता हूँ। अब मैं देखूंगा 51,000, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा जो है जो 51,000 और 45,000 का है, तो नेक्स्ट वीक का 51,000 का प्रीमियम कितना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 51,000 का प्रीमियम देखिए 16 पॉइंट का है, वो भी ये वाला एडजस्टमेंट मैं कब करूंगा, 22nd, मतलब इसको फिर से ध्यान से समझिए, 22nd मई को जब ये दोनों बाय लेग एक्सपायर होंगे तब जाके मैं फिर से 22nd मई को 29th मई का हेज बाय करूंगा, और वो भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस, 51,000 और 45,000। तो 51,000 का प्रीमियम आप यहाँ पे देखिए,
29th मई को कितना है 51,000 का, 51,000 ये है आपका ना, देखिए सिर्फ 16 पॉइंट का प्रीमियम है। और जैसे जैसे 22nd अप्रैल को हम लोग पहुंचेंगे तो यहाँ पे ये 16 का प्रीमियम नहीं बचेगा, तब ये सिर्फ 10 पॉइंट का ही प्रीमियम बचेगा। और 45,000 का प्रीमियम कितना है वो भी हम लोग देख लेते हैं, 45,000 ठीक है। ये देखिए इधर 23 पॉइंट का प्रीमियम है, लेकिन ये भी तब तक 23 पॉइंट का प्रीमियम नहीं बचा हुआ, ये ज्यादा ज्यादा 15 पॉइंट का प्रीमियम बचा हुआ, क्योंकि अभी आपके पास 4-5 दिन का टाइम है ना, तो 4-5 दिन में इसमें डीके भी हो जाएगा। तो अगर आप हर हफ्ते सिर्फ 30-30 पॉइंट का भी प्रीमियम दे देंगे, और ये आपके हेजेस भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इन द मनी के हेजेस हैं, मतलब आपके सेल लेग 53,000 के हैं और आपका जो बाय लेग है ये उससे 2000 पॉइंट पहले ही है। तो अगर आपका मार्केट, मैं मान लेता हूं कि इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी रैली ले लिया किसी भी एक साइड में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो भी ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ब्लू लाइन आपकी कभी भी नीचे नहीं जा रही, ब्लू लाइन हमेशा के लिए ये ऊपर की तरफ ही जा रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जो हेजेस हैं वो आपके सेल लेग से भी अंदर के हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जो सेल लेग है वो आपके हेजेस जो हेजेस हैं वो आपके सेल लेग के अंदर की तरफ है। और आप यहाँ पे ये एडवांटेज आपको सिर्फ अभी के लिए इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे हाई विक्स में, अगर आप यहाँ पे विक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 का विक्स है, तो 20 के विक्स में आपने ऑलरेडी एक हाई प्रीमियम सेल कर दिया है। तो जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट क्लोज आएंगे, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद मार्केट में जो विक्स है वो कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगी। यूजली ऐसा ही होता है, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो यूजली ऐसा ही होता है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो विक्स है वो कोलैप्स कर जाती है। तो ये सारे प्रीमियम आपके, ये जो प्रीमियम आपने सेल किया, ये सारे प्रीमियम जीरो, बहुत कम हो जाएंगे, राइट। तो जैसे जैसे ये प्रीमियम कम होंगे तो आपके हेजेस भी बहुत सस्ते सस्ते होते जाएंगे। एक चीज का बस आप ध्यान रखिएगा कि जब, और इवन मैं आपको देखिए ये क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इलेक्शन वाला जो वीक है, जो कि आपका 6th of June है ना, तो ये 4th of June को इलेक्शन के रिजल्ट है, और 6th of मतलब उस इलेक्शन की जो एक्सपायरी है वो 6th of June की, उस वीक की जो एक्सपायरी वो 6th of June को है। तो 6th of June को आप चाहें तो थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा बाय कर सकते हैं, मतलब अभी मैं अगर 30 पॉइंट का प्रीमियम बाय कर रहा हूं तो उस दिन मैं चाहूं तो लगभग 50 के आसपास का, 50-60 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम बाय कर सकता हूं, मतलब दोनों, एक तरफ का 40 पॉइंट का, एक तरफ का 40 पॉइंट का, ऐसा करके मैं प्रीमियम बाय कर सकता हूं, तो भी मेरे पास 170 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम बचेगा। इस तरह से अगर आप ये पूरे 6 वीक चलाते हैं तो ये स्ट्रैटेजी लॉसलेस हो जाएगी, आपकी जीरो लॉस स्ट्रैटेजी बन जाएगी आपकी। इसके लिए मैं एक काम भी करूंगा, देखिए ये ट्रेड का मैं रेगुलर अपडेट दूंगा टिल 26 जून तक। तो अगर आपको ये ट्रेड फॉलो करना है, अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम में जाके आप ये ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं, और किस तरह से मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ वो भी, और मैं इस ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंट इसीलिए इतना हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, और वही चीज आप वहां पे टेलीग्राम पे सीखेंगे। अब आ जाते हैं, क्योंकि आपने तो ये ट्रेड, जो लोग टेलीग्राम फॉलो कर रहे थे उनको तो ये ट्रेड समझ में आ गया कि कैसे करना है, मैंने 15 को ये ट्रेड आपके साथ शेयर कर देता, लेकिन जो लोग वीडियो ये अभी देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए आपको फिर से 26 जून को जाना है, 26 को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में जाना है 26 को, और आपको फिर से 200 पॉइंट के आसपास का जो भी प्रीमियम दिख रहा है, 200 पॉइंट का प्रीमियम आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो राउंड नंबर पे आप कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे प्रीमियम अपडेट नहीं हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये इस वेबसाइट पे प्रीमियम अपडेट नहीं हो रहा है, तो मैं 26 जून का दिखा देता हूँ आपको। 26 जून को आप जाएंगे और आपको देखना है कि 200 पॉइंट का प्रीमियम कहाँ पे है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको 200 पॉइंट का प्रीमियम कहाँ पे दिखेगा, ये 52,400 पे या 52,500 पे आप कर ले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि यहीं पे आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी, 400 पे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो 500 पे आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये 22,400 पे गलत प्रीमियम दिखा रहा है क्योंकि इससे कम प्रीमियम यहाँ पे नहीं हो सकता, ये वाला प्रीमियम गलत दिखा रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है इसलिए ट्रेड भी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये प्रीमियम अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। या 53,000 आप यहाँ पे देखेंगे, 53,000 पे आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा। अब डाउन साइड में हम लोग कहाँ जाएंगे, डाउन साइड में आपको दिखा देता हूँ 200 पॉइंट का प्रीमियम क्या है, यहाँ पे देख लीजिए डाउन साइड में आपको 200 पॉइंट का प्रीमियम कहाँ पे मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको 44,000 के आसपास मिल जाना चाहिए, 44,000 पे आपको 200 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है। देखिए ऐसे कोई ऐसे रैंडम नंबर मत ले लीजिएगा कि 44,100 ले लिए, क्योंकि इन सब स्ट्राइक प्राइस में लिक्विडिटी ही नहीं होगी, जो भी लिक्विडिटी होगी आपको ये राउंड नंबर की स्ट्राइक प्राइस पे होगी,
ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो भी स्ट्राइक प्राइस की लिक्विडिटी होगी वो आपकी डाउन नंबर पे ही होगी। ऐसे रैंडमली आप बीच में से कोई स्ट्राइक प्राइस चूज मत कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेल करता हूँ, ये ट्रेड मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और दूसरा दूसरा ट्रेड आपको 46,000 के आसपास मिलेगा, तो 44,000 आपका राउंड फिगर ये है, ठीक है, इसको आपने सेल कर दिया। बस ये ट्रेड आपको करना है। अब आप कहेंगे कि हम हेज क्या बाय करें, अब देखिए हेज क्या बाय करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए ये ट्रेड को नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्रेड को आप कैसे भी करिए इसको लॉसलेस में बना के दिखा दूंगा। तो अगर आप ये सेम ट्रेड कर भी रहे हैं, भले हम लोग की स्ट्राइक प्राइस में देखिए सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस का अंतर है कि मेरे पास 53,000 मेरे पास भी है, 53,000 मेरे पास भी है, बस पुट साइड में मेरे पास 43 है, आपके पास 44,000 होगा, बस इतना ही फर्क आएगा, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं आएगा। हेजेस आपको वैसे ही बाय करना है जैसे मैं यहाँ पे हेजेस बाय करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ये ट्रेड को आप फॉलो कर लीजिए, मैं हेजेस आपको बता देता हूँ। हेजेस क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक जो है आपका वो 22nd मई है, तो नेक्स्ट वीक में आप 51,000 का एक हेज बाय कर लीजिए, ये बाय कर लीजिए, और इधर से 44,000 का है आपका, तो आप 42,000 बाय कर लीजिए, सॉरी क्या स्ट्राइक प्राइस है 44,000 का है, तो आप 46,000 बाय कर लीजिए, 46 या 10 के आसपास का जो भी प्रीमियम होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये बाय कर लीजिए, बस आपको इतना ही करना है। इवन इतना भी प्रीमियम बाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 22nd मई तक कुछ होने वाला नहीं है, तो आप चाहें तो इस प्रीमियम को और कम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 45,000 भी बाय कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 45,000 ही बाय कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ट्रेड में। आप ये ट्रेड बना सकते हैं, और देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि यूजली मैं नहीं बोलता हूं और अपने चैनल पे इस तरह की चीजें प्रमोट नहीं करता हूं कि ये लॉसलेस स्ट्रैटेजी है। मैं इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट लॉसलेस स्ट्रैटेजी है। मैं इसको लॉसलेस नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट लॉसलेस स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई बड़ा मूव आया, कोई भी बड़ा मूव आया, तो पहले ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, राइट। और ये मैं अपने को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी जब ये ट्रेड बना हुआ है तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन कभी भी ये आपको नीचे की तरफ नहीं जाएगी कि आपको लॉस देखने को मिले। कोई भी कंडीशन होगी, पहले आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद ही ये लॉस देना शुरू होगा, अदरवाइज ये लॉस नहीं दे सकती स्ट्रैटेजी, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट हूं, तो आप टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं ट्रेड को। अगर आपने ये वाला ट्रेड ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो ये वाला ट्रेड भी बना के इस ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जब उसे आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।